नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आपको योगा सिखाने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है नीलम। हो सकता है शायद आपने कभी मुझे यूट्यूब पर कुछ योगा वीडियोज में देखा हो। मेरा एक चैनल है योगा स्टेशन, जिस पर मैं योग से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ। वैसे तो मैं इंडिया से हूँ, पर अभी 2 साल से मलेशिया में रह रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं। ये हैं अपूर्व, मेरे हस्बैंड। ये कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, साथ में योगा स्टेशन की वीडियोस को एडिट करके खूबसूरत बनाते हैं, ताकि आप तक मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। एक्चुअली आप जो वीडियोस पे कमेंट्स डालते हैं कि कभी म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, या फिर साउंड अच्छा नहीं था, कलर अच्छा नहीं था, जो भी आप डालते हैं, वो सब मैं काफी ध्यान से पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट अच्छे से आप तक पहुंचे। और क्योंकि अपूर्व इतना अच्छे से वो टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं, तो मेरा पूरा जो ध्यान है वो रहता है कि आप तक मैं वो सही चीज़ें पहुंचा सकूं। तो मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे हस्बैंड ही मुझे हेल्प करते हैं, एंड मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मदद मुझे उनसे मिल जाती है। और जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि कैमरे के पीछे ही रहूं, बट आज कुछ स्पेशल ओकेजन मैं है खींच के इनको लेके आई हूँ। और इस स्पेशल ओकेजन में मैं नीलू के साथ डेफिनेटली रहना चाहता था, बता दें आपको। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला है। यस, वी आर प्रेग्नेंट। और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ कि मेरी नींद उड़ने वाली है। आपकी नहीं, मतलब हम सबकी। हमारा परिवार बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है। पिछले 2 सालों में जब से योगा स्टेशन की जर्नी शुरू की है, मैंने महसूस किया है कि बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी से रिलेटेड योगा करना चाहती हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट करके सवाल भी किए हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करना है, क्या नहीं करना है, ये समझ में नहीं आता। एक्चुअली प्रेगनेंसी की जर्नी काफी यूनिक, काफी अनोखी होती है, और जो फिजिकल चेंजेस जो मैंने बदलाव देखे हैं नीलम में, वो काफी बहुत बड़े चेंजेस हैं। हाँ, और प्रेगनेंट जब आप होते हो, इतना सेंसिटिव समय होता है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के प्रेफर करें कि योगा क्लास ज्वाइन करें, और करना भी चाहते हैं तो कितनी बार क्लास आसपास होती नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए, मैंने एक प्रेगनेंसी सीरीज डिजाइन की है, जो 2 अप्रैल से रिलीज होगी। आपको ये वीडियो शनिवार को सुबह 6 बजे मिल जाएंगी। इन वीडियोस में मैंने सारी जो तिमाही है, जो ट्राइमेस्टर है, वो कवर किए हैं, जिसमें आप कौन से सुरक्षित योग प्राणायाम कर सकते हैं एज अ प्रेग्नेंट लेडी, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको भी मैंने अलग अलग कैटेगरी में डाल के वीडियोस के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं आसपास जो प्रेग्नेंट है, कृपया करके उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो सपोर्ट मुझे प्रेगनेंसी में मिला है योग का, वो उन महिलाओं को भी मिले। मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस जर्नी से जा रही हूँ। मैंने हर ट्राइमेस्टर में अलग अलग तरीके की चीज़ें महसूस की है। योग ने मेरी वो जो परेशानियाँ हैं, आपको मैं बोलूँगी 50% कम कर दी। मतलब जो चीज़ें होनी है वो होके रहेंगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में योग के माध्यम से आप नियंत्रण में ला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है जो हम दोनों आप लोग के साथ शेयर करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम दोनों मिलकर के एक चैनल नया लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लॉगिंग करेंगे। यस, जो कि सुनने में काफ़ी एक्साइटिंग भी लग रहा है, और थोड़ा सा, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है शायद, इसलिए नर्वस भी कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे को आपसे सीखने को मिलती है, मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग के माध्यम से वो और दुगनी हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चैनल का नाम तो पता है? हाँ, चैनल का नाम है योगिस्तान ब्लॉग्स।
मतलब योगा उसमें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि आप इस चैनल को भी अपना प्यार दें और हमें सपोर्ट करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अपने एक्सपीरियंसेस बिल्कुल ऑनेस्टी से दिखाएं। तो बस ये सारी बातें थी जो हमें आपके साथ करनी थी। ब्लॉग के माध्यम से आगे हम मिलते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आप अपने फीडबैक जो ऑनेस्टली मुझे योगा स्टेशन पे देते हैं यहाँ पर भी देंगे, साथ के साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके की चीजें आप देखना चाहते हैं। हम अपना ट्राई करेंगे कि आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहें। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट योगा स्टेशन के वीडियोस में आपको दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते। अनोखी जर्नी है। कुछ किया उसने? लात मारा उसने। लात मारा उसने। नहीं रही बहुत ज्यादा, और मेरी नेबल पे मारती तो मेरे को पेन होता है।